हे गाइस, आज है हमारे पास वीवो T2 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अभी कैमरे के अराउंड में ये लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करने वाली है। जैसे कि आपका फोन ऑन है और आप डबल बार स्क्रीन पर टैप करेंगे तो फोन ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाता है, और अगर आपका फोन लॉक है तो आप स्क्रीन में डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही फोन अनलॉक हो जाता है। अब आप इन सभी फीचर्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, डायनेमिक इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इनबिल्ट लाइट इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देना है, स्क्रीन डिस्प्ले को भी ऑन कर देना है, और कस्टमाइज टाइम को आप ऑफ भी कर सकते हैं। आपको लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉल के इफेक्ट वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब आपके कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर जो भी लाइटिंग वगैरह पसंद है आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी कॉल वगैरह आएंगी तो आपका फोन में कुछ इस टाइप से लाइट ब्लिंक करने वाली है। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर जो भी लाइट वगैरह चूज करेंगे, आपको यहाँ पर इतनी सारी लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, तो आप इनमें से किसी भी इफेक्ट को चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, फिर सिंपली इसे अप्लाई कर देना है। अब आपके पास कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना, तो आपके फोन में इस टाइप से लाइट ब्लिंक करेंगी, जैसे कि एज लाइट ब्लिंक करती है ना, ऐसे ही आपके फोन में ये लाइट ब्लिंक करने वाली है। तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से उन्हें सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये भी ना काफी ज्यादा कमाल का फीचर है। आप तो इसके लिए आपको बैक आना है, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप उन्हें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं ना, तो आपको उसके भी एनिमेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको जो भी एनिमेशन पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर देना, फिर आप फोन को अनलॉक करेंगे ना तो वही एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रिकमेंडेशन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप फिंगरप्रिंट से फोन को जैसे ही अनलॉक करते हैं ना, तो आपको एक एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, तो आप उस एनिमेशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी एनिमेशन पसंद हो सिंपली आपको यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर लेना है और फिर अप्लाई कर देना है, तो एनिमेशन वगैरह भी चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए भी आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको फेस रिकमेंडेशन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आप फोन में देखेंगे तो आपको ये ताला जैसे देखने के लिए मिल रहा है, बट आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इतने सारे स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर देना। आप अपने फोन को फेस लॉक से अनलॉक करते हैं ना, तो आप उसके स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप फोन वगैरह को चार्ज करेंगे ना, तो चार्जिंग के समय एनिमेशन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर इतने सारे एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं। तो जो भी आपको एनिमेशन पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। आई मैनेजर करके एक ऐप देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, दो बार टिक करके आपको अग्री कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करके फोन को ऑप्टिमाइज कर लेना है। आपका फोन जैसे कि लैग वगैरह होता है ना, तो आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो फोन लैग वगैरह नहीं होगा, और मेरे हिसाब से दिन में एक बार तो ऑप्टिमाइज करना ही चाहिए, लैग फोन लैग हो या फिर ना हो, बट एक बार ऑप्टिमाइज करना ही चाहिए। और यहीं पर आपको स्पेस क्लीनअप का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। आपके फोन में जो भी जंक फाइल वगैरह होती हैं या फिर बड़ी बड़ी जो फाइल होती है ना, तो उन्हें यहाँ पर ये स्कैन कर देता है। और आप बैक आएंगे, यहीं पर आपको सिक्योरिटी स्कैन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर भी क्लिक करके सिक्योरिटी स्कैन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके फोन में कोई भी हैकिंग से रिलेटेड ऐप वगैरह होंगे या फिर जैसे ऐप या एप्लीकेशन से आपके फोन को खतरा होगा वो यहाँ पर बता देगा। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर ऐप इंक्रिप्शन का मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अगर आप किसी ऐप में लॉक वगैरह डालना चाहते हैं
तो आप यहाँ से लॉक वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस ऐप को डबल भी कर सकते हैं। जो ऐप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, आप उन ऐप के डुप्लीकेट ऐप भी बना सकते हैं। अब अगला फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाता है, काफी कमाल का फीचर्स है, नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग का। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि नेट कितने केबी में चल रहा है या फिर एमबी में चल रहा है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो इसके लिए भी आप सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहीं पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। तो आपको यहाँ से फोन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इनेबल करने से क्या होगा गाइस कि आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं ना, तो उस समय आपका फेस और अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, फेस में ब्यूटी देखने के लिए मिल जाएंगी अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहीं पर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब ऑन करने से क्या होगा, आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और ऊपर आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको इसे अलाउ कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपको ये 3 डॉट देखने के लिए मिल रही है। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहीं से ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, फ्लैश लाइट को भी यहीं से ऑन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकते हैं और कैलकुलेटर को भी आप यहीं से यूज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से उन्हें यूज भी कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की, तो इसके लिए आपको 2 उंगलियों से पिंच करना है और नीचे आपको UI का कलर देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ से UI के कलर भी सेट कर सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद हो आप यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी सारी UI के कलर चेंज हो जाएंगे। जैसे कि कंट्रोल पैनल में आपको ये आइकन देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इनके सारे कलर चेंज हो जाएंगे, सेटिंग एटिंग के कलर, सारी चीजों के कलर आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगे। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको 2 उंगलियों से पिंच करना है या फिर लॉन्ग प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको होम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऊपर आपको होम स्क्रीन स्टाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड का और ड्रॉबर का। अगर आप स्टैंडर्ड में करेंगे तो आपके जो सारे एप्लीकेशन ऐप वगैरह हैं वो आपको होम स्क्रीन पर ही देखने के लिए मिलेंगे, और यदि आप ड्रॉबर पर करते हैं तो आप ऐसा स्वाइप करेंगे तो आपको सारे ऐप देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देना है और नीचे आपको होम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऐड आइकन टू होम स्क्रीन का, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने से क्या होगा गाइस कि आप कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो आप ऐसा स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको तो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो ऐप आपको होम स्क्रीन पर भी देखने के लिए मिले तो आपको सिंपली इस सेटिंग को ऑन कर देना है, फिर आपको होम स्क्रीन पर भी ऐप देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की, तो आपको बैक आना है। यहीं पर आपको नीचे राउंडेड कॉर्नर एंड साइज टू आइकन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप आइकन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, आपको राउंड रखना है या फिर स्क्वायर रखना है, आप अपने हिसाब से इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। और नीचे आपको आइकन साइज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको मीडियम रखना है, लार्ज रखना है या फिर एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको बैक आना है। यहीं पर आपको लॉक लेआउट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। इसे इनेबल करने से क्या होगा गाइस कि आप अभी होम स्क्रीन पर आएंगे तो आपके ऐप जहां पर है वहीं पर रहेंगे, वो आउट साइड नहीं होंगे। यदि आप वहां पर प्रेस करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो ऊपर भी नहीं जाएंगे। अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर लेना, नहीं तो डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको अभी साइड में ये गूगल डिस्कवर देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस कर देना है और यहाँ से आपको होम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गूगल डिस्कवर का, तो आपको इसे डिसेबल कर देना है। ये अभी इनेबल है तो आपको डिसेबल कर देना है। अब आप यहाँ होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो साइट में आपको गूगल डिस्कवर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको बैक आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और नोटिफिकेशन को सेंटर पर रख लेना है। इससे क्या होगा गाइस कि आप अभी होम स्क्रीन पर आएंगे, हम ऊपर की साइड से प्रेस करते हैं तो ड्रावर निकल कर आ जाता है। अब आप सेंटर से ही स्वाइप करेंगे तो
तो नोटिफिकेशन ड्रावर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। अभी आप ये कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है आपको बता ही देती हूँ। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम पर जाकर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंग रिंग ऐप। आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा रिंग रिंग ऐप। यहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये पहले से बंद रहता है तो यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको लाइट देखने के लिए मिल जाएगी और आप इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि छोटा बड़ा कर सकते हैं, और आप इसके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपको कलर वगैरह चेंज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। आप ऊपर अभी डायनेमिक आइलैंड देखने के लिए मिल रहा है, इसे मैंने कैसे लाया है आपको बता ही देती हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको डायनेमिक स्पोर्ट करके एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ये परमिशन वगैरह मांगेगा, तो यहाँ से आपको सारी परमिशन वगैरह दे देना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, तो नोटिफिकेशन को आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। अब आपको बैक आना है, नीचे आपको डायनेमिक स्पोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूज डायनेमिक स्पोर्ट के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अब आपको सारी चीजें अलाउ वगैरह कर देना है। अब आपको बैक आ जाना है और नोटिफिकेशन ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपके सारे ऐप को अलाउ कर देना है। फिर आपकी जिस भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो ऊपर आपको डायनेमिक आइलैंड देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप पोजीशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको इतना बड़ा रखना है या फिर इतना बड़ा रखना है, आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं। अब आपको स्क्रीन में डायनेमिक आइलैंड देखने के लिए मिल गया है। अब आपकी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी और आप डायनेमिक आइलैंड में लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, उसमें क्या है ये सभी चीजें रीड कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको दो उंगलियों से पिंच करना है या फिर लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, और नीचे आपको होम सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है ऐप आइकन बैजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैजेस का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट डिस्प्ले पर करते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो आपको इसके आइकन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यदि आप नंबर पर कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो उसकी क्वांटिटी बताएगी कि कितनी नोटिफिकेशन वगैरह आई हैं। और अगर आप डॉट पर कर देते हैं तो आपको ऐप में एक डॉट देखने के लिए मिलेगी और आपको उसी डॉट से पहचानना पड़ेगा कि कितनी नोटिफिकेशन वगैरह आई हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से बटन के भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल रखना है आप यहां से रख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बटन वगैरह हाइट हो जाएं तो सिंपली आपको गेस्चर पर क्लिक कर देना है। गेस्चर पर क्लिक कर देंगे तो आपकी बटन वगैरह सारी हाइट हो जाती हैं। फिर आप ऐसा करेंगे तो बैक आ जाएंगे और ऐसा करेंगे तो भी बैक आ जाएंगे, और आप लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे तो रिसेंटली ऐप पर चल जाएंगे। फिर आप उन ऐप को भी यहां से हटा सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि वॉलपेपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइव वॉलपेपर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाले वॉलपेपर नहीं चाहिए तो आप डाउनलोड मोड पर जाकर और भी वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और लोकल वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो गैलरी में फोटो वगैरह होंगी या पिक्चर्स होंगी आप उन्हें भी यहाँ से वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात करने के लिए आपको बैक आना है और यहीं पर आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है लॉक स्क्रीन पोस्टर का, तो आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने से क्या होगा गाइस कि आप जितने बार भी फोन को लॉक अनलॉक करते हैं ना तो आपको अलग अलग वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अगर इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो आप फोन को कितने बार भी अनलॉक या फिर लॉक क्यों ना करें वॉलपेपर चेंज नहीं होगा। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस ये रहे वीवो वी T2 5G स्मार्टफोन के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स, और ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी और यहाँ आई बटन आती होगी, इसमें भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और वीडियो देखकर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई और आपको वीडियो में थोड़ी सी भी हमारी मेहनत दिखी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।